हे गाइज वेलकम टू आर चैनल रूम विद किरण सचिन एंड इन एंड अनदर एपिसोड ऑफ क्या गुरुवार और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्काला वाइपर ग्लव्स के बारे में और स्काला ट्रैकर ग्लव्स के बारे में जो हम लोग ने मुंबई टू लद्दाख राइड में यूज़ किया था और ये ग्लव्स हमें कैसा लगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सो येस लेट्स गेट स्टार्ट सो गाइज हम लोग बात करेंगे स्काला का वाइपर जो शॉर्ट गंटलेट है या फिर मिड लेंथ बोल सकते हैं इसको एंड ये स्काला का ट्रैकर ग्लव के बारे में दीज आर वन ऑफ द मोस्ट मतलब मैं स्टार्टिंग में वर्डिक दे दूं अगर आप ग्लव्स के लिए मार्केट में कुछ देख रहे हो ना दीज आर द बेस्ट लुकिंग एज वेल एज बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लव्स अभी इसके बारे में बात करते हैं और इसके बारे में क्या क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है इसके डिटेल में स्पेसिफिकेशन हम लोग दोनों ग्लव के बारे में बात करेंगे मैंने ये दोनों ग्लव एक्सटेंसिवली यूज किया था मुंबई से लद्दाख और लद्दाख से रिटर्न आते वक्त तो ये वाला ग्लव कब यूज़ करना है शॉर्ट गॉन्टलेट या हाफ गांटलेट और ये फुल गांटलेट ग्लव कब यूज करना है ये भी मैं बताऊंगा तो ये वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे स्काला का वाइपर ग्लव एंड ट्रैकर तो लेट्स टॉक अबाउट द वाइपर ग्लव ये मिड लेंथ ग्लव है शॉर्ट गोंटलेट है एंड दिस इज लेदर एज वेल एज मैश कंस्ट्रक्शन है इसमें सो so दैट ये आप डेली वेयर में भी यूज कर सकते हो या फिर आप ट्रेल्स करते हो ऑफ करते हो तो वो टाइम पे ये यूज कर सकते हो बिकॉज इसमें ये देखो ये फिंगर्स पे पूरा मैश है तो वेंटिलेशन काफ़ी रहेगा एंड हमेशा आप कोई भी ग्लव ले रहे हो अगर आपका फर्स्ट ग्लव है तो आपको शायद लेदर ग्लव में उतना कंफर्टेबल लगेगा नहीं बट ये स्काल कट वाइपर ग्लव जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज जो लेदर है बहुत सॉफ्ट है इफ़ यू फील दिस एज़ कम्पेयर टू अदर ग्लव्स ना मैंने जितने भी यूज किए वो यूज़ करने के बाद भी थोड़े हार्ड हो जाते हैं ये पूरा पाम पे लेदर है लेदर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे लेदर पाम पे लेदर कंस्ट्रक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्लव जब भी क्रैश होता है तो वी टेन टू पुट आर पाम्स ऐसे मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि अपनी बॉडी को बचाए तो दैट टाइम हमारा ऐसे पाम एरिया ही रोड को टच होने वाला है दैट द रीज़न पाम पे आपको फुल लेदर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसी के साथ इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ये जो पैच है दैट इज़ फॉर ग्रे बिक आपको जो हैंडल बार है ऐसे नहीं पकड़ना है पूरा आपको आपके पाम के जो ये पार्ट है ये पार्ट से यूज़ करना है दैट द रीज़न यहाँ पे ग्रिप के लिए है अगर ये नहीं होगा तो वो थोड़ा सा आपका क्लच करते वक्त या फिर एक्सलेटर करते वक्त इसमें ग्रिप अच्छी नहीं रहेगी और ये स्केफॉयड प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा ये बोन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर आर हैंड मूवमेंट्स के लिए तो अगर हम लोग कभी गिर जाते कोई क्रैश होता है तो ये वाले पार्ट में लगने का चांसेस बहुत है और वो जल्दी रिकवर नहीं होता है आपको पेन बहुत टाइम तक रहेगा पाम स्लाइडर या फिर इसकेफ बोन प्रोटेक्टर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड ये भी लेदर पैच है तो देर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ पैच ऑन दिस काला वाइपर ग्लव एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना गेज वो है ये नकल प्रोटेक्टर दिस इज बाय दिस इज वन ऑफ द यूनिक ग्लव इन द इंडियन इंडस्ट्री जिसमें आपको नॉक्स के पाम स्लाइडर्स है एंड सैस्टिक का नकल प्रोटेक्टर है ये नकल प्रोटेक्टर सॉफ्ट है मतलब जो हम लोग के जैकेट्स में आर्मर्स होते हैं शोल्डर एल्बो पे वैसे टाइप का ये नकल प्रोटेक्टर है जो आप अगर इसको टच करेंगे तो ये सॉफ्ट फील आएगा जिसकी वजह से आप लॉन्ग राइड करते वक्त आपके नकल टायर्ड नहीं होंगे और नकल टायर्ड नहीं होंगे तो आप भी टायर्ड नहीं होंगे मैंने बहुत सारे ग्लव्स के साथ राइड किया हुआ है आप जब भी मल्टीपल डेज़ की राइड करते हो थ्री डेज फोर डेज कंटिन्यूस आप 500 सौ छः सौ किलोमीटर चलाते हो तो जब भी आपका नकल अगर हार्ड है ना तो आपके ये एक्चुअल नकल्स पे वो हमेशा पुश करता रहता है एंड आपके नकल पाम पूरा हाथ टायर्ड हो जाता है बट आप अगर ये ग्लव के साथ ये सैस्टिक का नकल प्रोटेक्टर के साथ में अगर आप राइड कर रहे हो तो आप मल्टीपल डेज के बाद में भी आपको यहाँ पे रैशेस नहीं आएगा और आपको कंफर्ट बहुत अच्छा रहेगा एंड ये आप अगर बोलोगे कि ये सॉफ्ट है तो आपके हाथ कैसे बचाएगा तो यहाँ पे मैं पंच करूंगा तो दिस बिकम हार्ड सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सैस्टिक आर्मर तो ये क्रैश के टाइम पे आपको ये जो आर्मर है ये कड़क हो जाएगा तो दिस विल एक्ट एज अ हार्ड नकल प्रोटेक्टर देन उसके बाद में जो फ्रंट एरिया है यहाँ पे रिस्ट बोन के लिए भी मेमोरी फोम डाला हुआ है सो so दैट आपका अगर क्रैश होता है तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन है सो so, ओवरऑल आपको लेदर पैचे जहाँ पे भी इम्पैक्ट जोन्स है वहाँ पे लेदर पार्ट्स है जैसे नकल हो गया उसके आजू बाजू में लेदर है एंड पाम तो पूरा ही लेदर है एंड वेंटिलेशन के लिए आपको पूरा मैश है तो ये वाला ग्लव मैंने मोस्टली जो है सिटी अगर हम लोग क्रॉस कर रहे तो वो टाइम पे यूज़ करता था एंड अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है आफ्टरनून टाइम पे मैं ये वाला ग्लव यूज़ करता था एंड ऑफ के टाइम पे बिकॉज वो टाइम पे क्लच और ब्रेक का काम बहुत होता है वो टाइम पे मैं ये ग्लव यूज़ करता था इसमें और एक कम्फर्ट ज़्यादा होता था क्योंकि इसकी जो फिंगर्स है मैं अभी मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दिया बट ग्लव की जो कंस्ट्रक्शन है फिंगर की कंस्ट्रक्शन वो प्री कर्वड एफर्ट नहीं लगेंगे अगर आप एकदम बेसिक ग्लव लोगे ना तो उसके जो फिंगर्स होती है ग्लव की एकदम स्ट्रेट होती है तो उसको आपका मतलब ब्रेक इन होने के लिए टाइम लगता है बट ये ग्लव लोगे विद इन टेन किलोमीटर्स आपको ये ग्लव एकदम कम्फर्टेबल लगेगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस काला का ट्रेकर ग्लव सबसे पहले हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे सो दिस इज फुल लेदर कंस्ट्रक्शन परफोरेटेड लेदर है आपको यहाँ पे सास्टेक का नकल प्रोटेक्टर है दिस इज़ बिगर साइज एज कम्पेयर टू स्काला वाइपर एंड पाम पे आपको जो है यहाँ पे नॉक्स के बिगर साइज के पाम स्लाइडर या फिर स्काफॉइड प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे नॉक्स के मिल जाएंगे इसमें आपको टच स्क्रीन भी रहेगा प्लस यहाँ पे आपको दो वेलक्रो क्लोजर है सो so दैट इसका जो फिटिंग है snug हो पिंकी ब्रिज भी है बट दैट इज़ नॉट बिकॉज बहुत सारे glove में ना एकदम ऊपर रहता है जिसकी वजह से ये दोनों फिंगर्स एकदम मतलब आपको थोड़ा इरिटेट होगा इन केस ऑफ अ क्रैश आपको ज्यादा ये पिंकी ऐसे साइड में नहीं होगी एंड ट्रस्ट मी ये पिंकी प्रोटेक्शन होना या पिंकी ब्रिज होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई हैड अ माइनर क्रैश बहुत साल पहले का क्रैश है उसमें क्रैश के बाद में ये फिंगर थोड़ी ऐसी टेढ़ी हो गई थी एंड फॉर अ डे और टू मेरा ये पिंकी में थोड़ा पेन था उसमें क्रैक नहीं था नीदर कुछ ब्लड ब्लीडिंग वगैरह हुआ था बिकॉज ग्लव पहना था तो ग्लव पहनना इंपॉर्टेंट है एंड ये ग्लव में आपको भर भर के प्रोटेक्शन है आपको नकल प्रोटेक्टर हो गया प्लस आपको हर फिंगर पे ये फिंगर पे ये मेमोरी फोम वाले हैं मतलब आपको स्पॉन्ज जैसा लगेगा बट दीज आर नॉट हार्ड टाइप ऐसा पी यू वाले प्रोटेक्टर नहीं है विच गिव्स यू थोड़ा इरिटेशन देते बट ये मेमरी फोर्म टाइप्स के आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर्स है एंड ये ग्लव मल्टीपल लेयर्स ऑफ लेदर है और लेदर का थिकनेस भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्काला वाइपर ग्लव देन यहाँ पे आपको ये दिख सकता है ये जो हाईवेस्ट कलर में है दिस इज रबराइज कोटिंग सो दैट आपको एक्सेलरेट करने के लिए और क्लच करने में इजी रहेगा एंड आपका हाथ स्लिप नहीं करेगा आपको थंब में भी फुल प्रोटेक्टर है और वो प्रोटेक्टर जो है ना उसका जो लेदर पैच है ऊपर से उसको स्ट्रेच किया हुआ है दैट्स द रीज़न आई टोल्ड यू गाइस कि दिस इज़ फुल्ली लोडेड ग्लव एंड लेदर के बहुत सारे लेयर्स है दैट मेक्स दिस ग्लव इवन मोर कंफर्टेबल एंड मोर आपको इसमें सेफ्टी मिलेगी जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे कोई कोई ग्लव में ये पूरा अटैच्ड रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है ये पूरा आपका जो मूवमेंट अच्छा नहीं रहता है Because ये अलग से इसको stitch किया हुआ है। ये है। है, काफी लोग मुझे funny question पूछते कि ये वाला का क्या है? तो मैं भी मजाक में बोल देता हूं। यहाँ पे एक दो रुपए का रख सकते, आपका मूवमेंट ये पाम का या फिर फिंगर मूवमेंट्स आपकी अच्छी हो और आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे या फिर डे कर रहे हो तो आपको फटिक ना हो इसके लिए आपको ये वाला ऊपर वाला पैच अलग से इसको स्टिच किया जाता है यहाँ पे ये प्लास्टिक पूरा मोल्डेड है और ये आपकी पूरा मतलब पूरा हाथ आपका यहाँ पे प्रोटेक्टेड है ये देखो एंड इसके बाद में आपके एल्बो प्रोटेक्टर आते हैं एंड देन शोल्डर प्रोटेक्टर आते हैं तो दैट्स हाउ यू विल बी टोटली सेफ़ इफ़ यू आर ऑन ट्रैक या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड रनस कर रहे हो तो नाउ आई विल टेल यू कि ये वाला ग्लव मैंने मुंबई टू लद्दाख और रिटर्न में कैसे यूज़ किया और क्यों वो टाइम पे मैंने यूज़ किया तो ये ग्लव मैंने मोस्टली हाई स्पीड रनस हो रहे हैं हाईवे स्ट्रेट हाईवेज़ है या फिर ठंड के टाइम पे मैंने ये ग्लव यूज़ किया है बिकॉज दिस इज़ फुल लेदर तो इसमें आपको ठंड इतनी लगेगी नहीं हावेवर आपको ये समर में भी यूज़ कर सकते हो अगर आप ट्रैक डेज वगैरह कर रहे हो क्योंकि ये परफोरेटेड लेदर है तो आपको इसमें ब्रीदेबिलिटी रहेगी और अगर आप संडे राइड्स करते हो हाईवे वे करते हो हाई स्पीड रनस करते हो तो वो टाइम पे इट इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ फुल गांटलेड ग्लव बिकॉज आप वीक में एक दिन राइड पे जा रहे हो दैट टू शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो ये वाला ग्लव मैंने सिटी एरिया में नहीं यूज़ किया जब भी ऑफ रोड कर रहा हूँ तभी भी मैंने ये यूज़ नहीं किया एंड जब भी बहुत गर्मी होती थी वो टाइम पे भी मैंने यूज़ नहीं किया दैट्स द रीज़न आप अगर लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो इट इज़ मतलब हम लोग ये प्रैक्टिस करते एक शॉर्ट गोंटलेट विच इज़ वेंटिलेटेड एंड एक फुल गोंटलेट विच इज टोटली लेदर कंस्ट्रक्शन ऐसे दो टाइप के ग्लव आप कैरी करो सो so दैट आपकी लॉन्ग राइड्स बहुत अच्छी रहेगी इन शॉर्ट अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो ये वाला ग्लव इज नॉट रेकमेंडेड आप अगर ऑफ ज़्यादा करते हो तो दिस ग्लव इज डेफिनेटली नॉट रेकमेंडेड बिकॉज लेवर के जो आप कंट्रोल है ना बाइक के ऊपर उतना अच्छा नहीं रहेगा अगर आप ज़्यादा आपकी बॉडी मूवमेंट चल रही है या फिर आप क्लच ब्रेक ज़्यादा कर रहे हो तो ये दोनों ग्लव का बेसिकली कंपैरिजन है नहीं क्योंकि ये सिटी एंड शॉर्ट राइड्स और ऑफ के लिए है और ये हाईवे राइड्स और ट्रैक डेज़ के लिए है ये ग्लव तो इसका दोनों का कंपैरिजन है नहीं बट अगर मुझे करना पड़े तो मैं बताता हूँ उसमें ये ग्लव में कैसे आप कंटिन्यूस आप ये ग्लव के साथ आप लंबा राइड नहीं कर सकते हो बिकॉज इसका जो लेदर है वो थोड़ा पतला है एंड ये ग्लव का जो लेदर कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा मोटा है दैट्स द रीज़न ये ग्लव के साथ आप लॉन्ग राइड कर सकते हो एंड ये ग्लव के साथ जो है ना मुझे मैं अगर बहुत टाइम तक हाई स्पीड कर रहा हूँ 100 हंड्रेड एंड टेन क्रूजिंग कर रहा हूँ तो वो टाइम पे ना मुझे ये वाले पार्ट में थोड़ा इरिटेशन होता था बिकॉज काफ़ी देर तक हम लोग हैंडल बार पकड़ के रखे हैं दैट द रीज़न ये वाला ग्लव वो टाइम पे बहुत अच्छा लगता था अब हम लोग किरण के भी व्यूज़ जानते हैं ये दोनों ग्लव के बारे में बिकॉज शी ऑल्सो यूज वाइपर एंड ट्रैकर ग्लव फॉर आर लद्दाख राइड मुझे दोनों ग्लव्स में से सबसे अच्छा ग्लव ये लगा है क्योंकि मैंने एक्सटेंसिवली ये यूज किया है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एडवेंचर बाइक चला रही थी और मुझे एडवेंचर बाइक चलाने के लिए मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में थी और मुझे समझना था कि इसका क्लच कब करना है ब्रेक कब करना है आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई ब्यूटिफुल टाइगर एट फिफ्टी स्पोर्ट गब्बर को समझ आता है इसलिए आई एक्सटेंसिवली यूज दिस ग्लव्स ये वाली ग्लव्स मैंने हाईवे रन पर जब हम लोग मुंबई से मनाली तक पहुंच रहे थे उसमें ऑन ऑफ मैंने ट्रैकर ग्लव यूज़ किया था एंड लेट मी टेल यू गाइज दिस बोथ ग्लव्स अपने अपने जगह पर इट डज़ इट ओन वंडर्स इसका जो प्राइज रेंज है और इसका जो प्राइस रेंज है इस दोनों ने अपने अपने प्राइस रेंज में जितनी भी स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं इट्स लाइक टॉप नॉच द लेदर यूज इन दिस गलव एंड ऑल्सो इन दिस ग्लव्स इज़ ब्यूटिफुल एंड आई लव दिस ग्लव्स हम दोनों ने और भी बहुत सारे ग्लव्ज यूज़ किए हैं वी हैव एक्सटेंसिवली यूज फुरीगन ग्लव्स गाइज और फोरीगन ग्लव्स का जो लेदर है इट्स वेरी थिन उसकी वजह से ना जो नक सचिन बोल रहा था और नक्कल पर आपका रेड पैचेज हो जाता है वो मेरे को हमेशा हो जाता था इसी की वजह से जब मैंने ये ग्लव्स यूज़ किया मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसकी जो लेदर है इट्स जस्ट सो गुड गाइज सो माई टेक ऑन दिस बोध ग्लव्स इज़ लाइक ब्यूटिफुल आग बंद करो और ले लो एंड ट्रस्ट गाइज यू विल थैंकस ले लो